हेलो एवरीवन, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन मिश्रा। बात फिर से आज होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। और आज हम अपना अगली सीरीज, अगला लेक्चर पढ़ेंगे। होगा क्या उसमें, मैं उन पॉइंट्स में किन किन विषयों पर आपसे बात करूंगा, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनसे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। भले ही आपने इन सारी जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं पढ़ा है, आपको कुछ नया भी यहां पर मिलेगा। यानी जो पॉइंट्स आपके अपर में और लोअर पीसीएस में अभी तक पूछे गए हैं, या जो यूपी ट्रिपल एससी को अब लोअर की वैकेंसी दी गई है, इसमें आने की संभावना है, उन सभी बिंदुओं का मैं यहां पर एक तरीके से डिस्कस करूंगा आपसे। और उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी दिशा में चल रही होगी। एक तरीके से रिवीजन हमारी टीम के द्वारा आपको दिया जा रहा है कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप मिस कर रहे हैं, और उनको एक साथ हमारे साथ बने रहकर देखते रहेंगे। लेक्चर आपको पसंद आए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जो भी मैं सीरीज आपको बताऊंगा उनके पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, उपलब्ध कराऊंगा, और आप उन नोट्स को शेयर करें, लेक्चर हमारे शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सहभागिता ग्रुप में भी दिखाएं। कोई भी दिक्कत होती है आप ग्रुप में पोस्ट करें, या यूट्यूब पर जहां पर ये लेक्चर है उसके नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको किस सीरीज का लेक्चर चाहिए, किन में प्रॉब्लम है, उन सारी समस्याओं का निदान हमारी टीम के द्वारा किया जाइए। चलिए आज हम पढ़ते हैं, जो अभी हमने देखा कि जो भारत में इंडियन अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, इनमें तमाम चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम मूलतः बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिस आधार पर बना, इससे पहले की सीरीज में आपने पढ़ा कि अंग्रेजों के द्वारा लाए गए वो तमाम तरीके के अधिनियम, ब्रिटिश सामग्री के द्वारा पारित किए गए वो तमाम तरीके के राजलेख जिनका भारतीय संविधान पर बहुत गहरी छाप पड़ी है, अब उनसे हमारे आगे की प्रोसेस बढ़ती है कि भारत में आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बनना चाहिए। भारतीयों के दिमाग में ये विचार कई ऐसे बिंदु रहे होंगे जिनको देखकर स्पष्ट रूप से झलका। मैं आज आपसे इस विषय में किन किन बारे में बात करूंगा, उन पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्व में आखिर जितने देश आपके लोकतांत्रिक बने, गणतांत्रिक बने, वहां पर उनका संविधान बना, तो उन्होंने संविधान बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया अपने देश के संविधान में। विश्व में कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा जिसने ऐसा जिक्र किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या वर्ल्ड के जितने कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे, संविधान बन रहे, वहां पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा उनका फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व में संविधान सभा का विचार किसने दिया, उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में आखिर संविधान सभा के बारे में कहां कहां से कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी जो हमारे भारतीय संविधान पर कहीं ना कहीं इसके निर्माण को लेकर संविधान सभा के बारे में बात करती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब भारत में ऐसी चीज हो गई, महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार क्या थे, अन्य भारतीय जैसे एनी बेसेंट जो होम रूल आंदोलन चला रही थी, एक लीग चला रही थी, तिलक जी के निर्देशन में स्वराज विधेयक आता है उसमें क्या हुआ, मतलब ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीधा सीधा, और मैं उन्हीं विषयों पर आपसे बात करूंगा। फिर मैं आपसे इनमें आगे बात करूंगा कि भारत में फिर मैं 1937 में संयुक्त प्रांत में हुए इलेक्शन के बारे में बात करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, राज्य व्यवस्था का एक हिस्सा है, वो मैं बात करूंगा। 1973 में इलेक्शन आपके जो होते हैं, ठीक है, सॉरी, अपने यहां जो संयुक्त प्रांत में इलेक्शन हुए उनके बारे में सारी बातचीत हो जाएगी, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, क्योंकि यहां से सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, इन सब बारे में मैं बात करूंगा आपसे। 1937 की बात है, 1937 की बात है, ठीक है, फरवरी की बात थी, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मुस्लिम लीग की तमाम मांगों के बारे में, क्या क्या मुस्लिम लीग का अपना एजेंडा रहा, किसको लेकर चली, आखिर भारत में पाकिस्तान अलग होने के पीछे रीजन क्या रहा। उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे क्रिप्स मिशन के बारे में कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इसका एजेंडा क्या था। फिर मैं बात करूंगा अटलांटिक चार्टर के बारे में कि अटलांटिक चार्टर क्या था, ठीक है, ये तमाम चीजें होंगी जिनके बारे में आपसे आज मैं डिस्कस करूंगा इस लेक्चर में। अटलांटिक चार्टर के बारे में बेबल योजना क्या रही, बेबल योजना के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो के आस्थान पर जब जो है बेबल अपने भारत का वायसराय बना था तो इसने एक योजना प्रस्तुत की थी। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ब्रिटेन में हुए 1945 के आम चुनावों की बात करूंगा, आम चुनावों के बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा कैबिनेट मिशन की कि कैबिनेट मिशन क्या रहा, कैबिनेट मिशन यहां भारत में कब पहुंचा, इससे संबंधित सीधे सवाल पूछे गए, इसके अध्यक्ष के बारे में तमाम बातें करूंगा। कैबिनेट मिशन के बाद फिर हम बात करेंगे
कि अपने यहां कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ और कैसे कैसे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनी इसके चुनाव कब हुए, इसमें भाग कब लिया, सीटें क्या रही, भारत से विभाजन से पहले कितनी सीटें थी, विभाजन के बाद क्या सीटें थी, इन तमाम चीजों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी से, बेस उसे मैं आपसे शुरुआत करता हूं कि वर्ल्ड में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होना चाहिए ऐसा विचार किसने दिया। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे इसमें और जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगा कि आप नोट भी कर सकते हैं और बाद में मैं आपको पीडीएफ भी के माध्यम से ये सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि वर्ल्ड में, विश्व में हर देशों का संविधान एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बनना चाहिए। देखो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा बनना चाहिए, लॉजिक क्या है इसके पीछे, तर्क यह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनेगी उस असेंबली में वहां उस देश के अपने लोग बैठेंगे और जो अपने देश को चलाने के लिए कानूनों का निर्माण बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, मुझे अपने देश का कानून बनाना है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे देश की, जो हमारे देश के लोग हैं उनको किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन किन बिंदुओं को हमारे देश में शामिल किया जाए, संविधान में शामिल किया जाए, ताकि सरकार का दायित्व तो एक उत्तरदायित्व के तौर पर खड़ा हो सके। तो विश्व में सबसे पहले अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी संविधान सभा का विचार विश्व में सबसे पहले किसने रखा, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले इंग्लैंड के समतावादी, ठीक है, और एक व्यक्ति बहुत विशेष नाम आता है, सर हेनरी मेनन या सर हेनरी मेन। इस व्यक्ति ने सबसे पहले यह विचार रखा था कि किसी भी देश का संविधान बने तो वह संविधान किसके द्वारा बने, वहां की संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए। और इसके द्वारा जो विचार दिया गया इसको सबसे पहले अपनाने वाला देश कौन था, तो वो देश थे फ्रांस, और दूसरा आपका देश बना अमेरिका। फ्रांस और अमेरिका ने व्यवहारिक रूप से सबसे पहले इस बात को, जो सर हेनरी मेनन ने बताया था, हेनरी मेनन ने बताया था, उसको अपने यहां लागू किया। कब? जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में सबसे पहले आखिर कौन सी ऐसी बात आई, कौन सा ऐसा एजेंडा, तमाम पार्टियां उस समय काम कर रही थी, तमाम फेमस व्यक्ति काम कर रहे थे, उन्हें यह विचार सूझा कि हमें भी अपना शासन चलाने, क्योंकि अंग्रेज किस बात की बात करते थे विश्व में, वो हमें यह दिखाते थे कि हिंदुस्तानियों पर वो एहसान कर रहे हैं, हिंदुस्तानी अपना शासन चलाने में सक्षम नहीं है। जब ये बात हमें तमाम अलग अलग देशों में क्रांतियां हुई वहां से हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि नहीं, लोग अंग्रेज ही ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपना जो है हर जगह शासन चला सकते हैं, हर जो है देश अपना शासन चलाने में वहां के व्यक्तियों के द्वारा एक सरकार बनाने में सक्षम है, ठीक है। तो 1895 की मैं बात यहां पर आपसे करूंगा, 1895 में एक बिल आया था, वो बिल कौन सा था, जिस बिल को नाम दिया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, भारतीय जो है भारत का संविधान, इसमें लगभग 121 के अप्रॉक्स आर्टिकल्स थे। और ऐसा माना जाता है कि ये जो बिल आया था इसको स्वराज बिल कहा जाता है, स्वराज बिल, ठीक है। इस बिल को माना जाता है कि इस बिल के पीछे दिमाग जो था, एजेंडा जो काम कर रहा था वो तिलक जी का था, तिलक जी के निर्देशन में ऐसा माना जाता है कि ये बिल आया था। वैसे ये पहले अननोन था लेकिन माना जाता है तिलक जी के निर्देशन में 1895 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नामक जो बिल आया उसमें सबसे पहले किस बारे में, क्या भारत का संविधान एकदम स्पष्ट परिलक्षित था, नहीं, लेकिन संविधान में की गई तमाम बातें इसमें, राइट टू वोट, राइट टू एजुकेशन, फंडामेंटल राइट्स में जितने पॉइंट हैं उन सब विषयों में इस बिल में बात की गई थी। इसीलिए सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो आपका आया था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1985 में तिलक जी के निर्देशन में, इसमें सबसे पहले हमें बात की गई थी किसकी, स्वराज की, यानी अपने राज के बारे में बात की गई थी कि अंग्रेज हम पर शासन ना चलाएं, हम अपना शासन चलाने में सक्षम हैं। दूसरी बात मैं करता हूं, इसके बाद होम रूल आंदोलन जो चल रहा था, होम रूल लीग चल रहा था, 1916 की बात है, 1916 की बात है, आप जानते हैं, ठीक है, एओ होम के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें भी चली हैं। यहां पर जो होम रूल लीग चल रही थी उस दौरान 1916 में, इसमें एनी बेसेंट के द्वारा सबसे पहले क्या मांग की गई थी, एनी बेसेंट इसकी एक तरीके से अगुवाई कर रही थी। तो 1916 में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था, होम रूल लीग चल रही थी, इसमें भी यह बात स्पष्ट रूप से निकल कर आई थी, जो हमारी डिमांड थी उस समय, इसको चलाने वाले जो लोग थे उनकी डिमांड थी कि हमारा जो स्वशासन है,
ठीक है, जो हमारा लोकल एक तरीके से गवर्नेंस है, स्थानीय शासन है, वो हमें दिया जाए, चलाने का जिम्मा हमें दिया जाए। तो ये बात हो गई 1916 की। फिर बात मैं करता हूं आपसे 1920 की, 1922 की बात है अपने यहां। 1922 में भी तमाम ऐसी चीजें निकल कर आई जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा या महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1922 में भी ये बात निकल कर आई थी कि भारत में जो है, ठीक है, भारतीयों का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। और ये कहा गया व्यक्ति किसका था, महात्मा गांधी के द्वारा यह बात कही गई थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाएगा। यह बात 1922 की है, 1922 की है, यह लाइन सीधा सीधा आपसे पूछा भी है। अब मैं बात करता हूं इसके बाद कौन सी चीज आई जहां पर एकदम स्पष्ट रूप से झलका, तो मैं अब आपसे बात करूंगा 1935 की। हालांकि 1928 में भी ऐसी चीजें चली हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं 1935 की। 1935 में उस दौरान भारत में जो है लेफ्ट विंग, आप सारे लोग जानते हैं जिनको आप लेफ्टिस्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वामपंथी दल, वामपंथी दलों के जनक या वामपंथी दलों के प्रणेता भारत में कौन है, वामपंथी दल, ठीक है, जिसको सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के तौर पर आज भी इसका अस्तित्व है। वामपंथी दलों के प्रणेता एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एमएन रॉय। एमएन रॉय ने सबसे पहले 1935 में भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए ऐसा विचार दिया था 1935 में। उसके बाद अगर आप देखेंगे कांग्रेस के कई ऐसे अधिवेशन हुए, 1936 में भी कांग्रेस ने पारित किया, 37 की बात है, 38 की भी बात है, जिनमें सारा का सारा फोकस किस पर रहा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर रहा कि भारतीय संविधान कैसा बनना चाहिए, इस पर कांग्रेस के सारे अधिवेशन हुए। आप कांग्रेस के अधिवेशनों के इतिहास में जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं कि किन में कौन कौन सी बातें की गई थी। तो 1935 की बात है जब सबसे पहले यह डिमांड हुई थी, आपको स्पष्ट रूप से यह ध्यान होना चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1935 में यह हो गया, फिर जो है 35 के बाद 36 में कांग्रेस के द्वारा भी ये चीजें आई। बात है फिर 1938 की, 1938 की, जब जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से ही अपना एक वक्तव्य दिया था, जेएल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कांग्रेस की तरफ से ही बोले थे कि भारतीयों कि जो संविधान सभा बनेगी, भारतीय संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में जो व्यक्ति बैठेंगे या जो उसके सदस्य होंगे, उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ये 1938 की बात है। तो हमने तमाम पॉइंट्स यहां पर देख लिए कि भारतीय संविधान की आखिर निर्माण की प्रक्रिया में संविधान सभा की मांग कैसे कैसे रही। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको फिर से लेकर चलता हूं 1937 की बात है। 1937 में क्या हुआ था, फरवरी की बात है, क्योंकि इससे सवाल पूछे गए, थोड़ा सा राजव्यवस्था से जरूरी है, मतलब जुड़ा है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, थोड़ा सा इससे हटके है। 1937 के फरवरी की बात है, इसमें जो है हमारे यहां विधानसभा चुनाव हुए थे। इन विधानसभाओं में, ठीक है, उस समय मैंने बताया आपको, ध्यान भी होगा कि 11 प्रांत थे अपने पास, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। इन 11 प्रांतों में से, ठीक है, कितने ऐसे प्रांत थे, 6 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत में लौटी थी। कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आई, कितने, 11 में से 6 चुनाव में। 2 ऐसे भी जगह थी जहां पर कांग्रेस ने क्या किया था, 2 प्रांत आपके ऐसे थे जहां पर जो है कांग्रेस ने गठबंधन के आधार पर, गठबंधन से वहां पर अपनी सरकार बनाई थी, गठबंधन से सरकार बनाई। तो कांग्रेस की सरकार 11 में से कितने प्रांतों में बनी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि वो प्रांत कौन कौन से हैं, जिनमें मैं स्पष्ट रूप से 6 प्रांतों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि यहां से सवाल पूछा है। तो इन प्रांतों के बारे में अगर हम बात करें कि वो प्रांत कौन कौन से थे, तो आपका बंबई था, ठीक है, जहां पर कांग्रेस की पूर्ण सरकार बनी, बिहार था, उड़ीसा था, चौथा प्रांत आपका आता है मद्रास, 5वां प्रांत आपका था संयुक्त प्रांत अपना यूपी, और 6ठा प्रांत आपका था कौन सा, मध्य आपका प्रांत या मध्य देश, जिसको आप नाम से जानते हैं, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश। ये 6 ऐसे प्रांत थे जहां पर चुनाव हुए, चुनाव के बाद यहां पर कांग्रेस ने सरकार बनाई। 1937 से कांग्रेस जो है अपनी सरकार चलाना शुरू करती है 1937 से। और फिर क्या होता है, 1937 से जब ये अपनी सरकार चलाना शुरू करती है,
तो तमाम ऐसी चीजें फिर निकल कर आई। आपको ध्यान होगा, ये मैं बाप से बात कर रहा हूं 1937 की, 1937 के बीच में ही 39 में कुछ विशेष रूप से घटना घटित होगी हुई है, याद है आपको, जो आपका एक डेट है 1 सितंबर 1939, 1939 दिमाग में आपके क्लिक किया होगा। ये डेट किसके है, वर्ल्ड वार सेकेंड स्टार्ट होने की, सेकेंड वर्ल्ड वार उस समय स्टार्ट हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1 सितंबर 1939 को, तो भारत को 3 सितंबर को, अभी तक ये सारे अपने नेता जितने भी लोग थे ये समझ रहे थे कि अंग्रेजों ने अगर हमें चुनाव यहां पर करा दिया, हमारी सरकार बन गई, तो अंग्रेज अब क्या करेंगे हमारी सरकार के बारे में, हमारी सरकार से कोई राय लेकर कार्य करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 3 सितंबर को ही भारत को युद्धरत घोषित कर दिया गया बिना यहां के किसी नेताओं से पूछे हुए। अब बात क्या आई, जब यहां के कोई नेताओं से पूछा नहीं गया तो कांग्रेस इस बात से नाराज हो बैठी। कांग्रेस जब नाराज हो बैठी तो उसने क्या किया, लगभग 28 माह इसने शासन कंप्लीट किया था, 28 माह शासन कंप्लीट करने के बाद 22 दिसंबर की बात है, 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड प्रारंभ हुआ था। वर्ल्ड वार जब सेकंड स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, और 28 माह के शासन के बाद 22 दिसंबर 1939 को क्या हुआ, कांग्रेस ने, क्योंकि यहां पर 3 सितंबर को ही भारत को युद्धरत घोषित कर दिया है, और युद्धरत घोषित करने के पीछे क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो ये लोग शासन बना के अपनी जो है जिम्मेदारी चला रहे थे, यानी जो आठ आपके प्रांत थे, आठों प्रांतों में कांग्रेस सरकार चला रही थी, कांग्रेस के किसी नेता से अंग्रेजों ने नहीं पूछा, भारत को युद्धरत घोषित किया। और फिर कांग्रेस ने लगभग 28 माह के बाद 22 दिसंबर 1939 को अपने आठों मंडलों से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। और जिस दिन इस्तीफा दिया आठों मंडलों से, मुस्लिम लीग ने इसको किस रूप में जो है मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में। तो मुक्ति दिवस, ये पूछा है सवाल कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, जब कांग्रेस ने अपने आठों मंडलों से इस्तीफा दे दिया था। किस लिए, क्योंकि कांग्रेस सारे नेताओं को बिना पूछे ही वर्ल्ड वार सेकेंड में भारत को धकेल दिया गया था, इस वजह से जो है कांग्रेस के सारे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट आपसे यह भी बात कर लेता हूं, क्योंकि यह सवाल पूछा गया है संयुक्त प्रांत के बारे में। संयुक्त प्रांत में क्या हुआ था, जब कांग्रेस ने सरकार बनाई थी संयुक्त प्रांत में, यानी उत्तर प्रदेश में 1937 के चुनाव में, तो यहां के सीएम सबसे पहले गोविंद बल्लभ पंत बनाए गए थे। कौन बने थे, गोविंद बल्लभ पंत, इससे सवाल पूछता है इसलिए मैंने इसको बताया। गोविंद बल्लभ आपके पंत सबसे पहले क्या बनाए गए थे, चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे। रफी अहमद के दुबई का भी नाम आता है, ये क्या बनाए गए थे, एफएम बनाए गए थे, यानी आपके फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री बनाए गए थे। के एन काटजू को रक्षा एवं कानून मंत्री के तौर पर बनाया गया था। तो तीन चीजें ये दिमाग में आप रखें। अब मैं बात करता हूं 1939 के बाद आपका, जब जो है मुस्लिम लीग ने क्या मुक्ति दिवस के तौर पर मना लिया, तो इसके बाद फिर अब स्टार्ट होता है कुछ और पॉइंट्स, फिर से मैं लौटता हूं वहां पर। अब हम बात इससे आगे करेंगे, जस्ट इसके बाद जब 1938 की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। अच्छा, 1939 की ही एक घटना और मैं आपको बता दे रहा हूं, 1939 की एक बहुत फेमस घटना है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग होकर, कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दिया था, और इन्होंने एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी, ये आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अब देखते हैं 1940 की कुछ आपकी ऐसी घटनाएं हैं जिनका बड़ा अहम रोल पड़ता है, वो किसमें, आपके इससे सवाल भी पूछे गए। हम 1940 की दो ऐसी घटनाएं हैं, एक तो पहला आपका कांग्रेस का मार्च का अधिवेशन कांग्रेस का कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन में, मार्च का अधिवेशन कहां, लाहौर में हुआ। लाहौर के इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने दो अलग राष्ट्रों की मांग रखी थी, मुस्लिम लीग ने दो अलग राष्ट्रों की मांग की। पहला पॉइंट तो यह आपका बनता है, यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, यह तो मार्च की घटना थी, दूसरी घटना इसी से जुड़ी है, एक 8 अगस्त 1940 की ही है। 8 अगस्त 1940 को एक
प्रस्ताव आया था जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव में, अगस्त रिजोल्यूशन या अगस्त प्रस्ताव, इससे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव में बातें क्या हुई थी? अंग्रेजों ने संविधान सभा का विचार माना था, ठीक है, अंग्रेजों ने संविधान सभा का विचार माना, लेकिन संविधान सभा के विचार को लागू कब किया जाना था? इस विचार को लागू किया जाना था युद्ध के बाद। ये दो प्रांत इस सारी विषयों पर वो बात करने के लिए राजी हुए। अब जब युद्ध के बाद सारी चीजें लागू होंगी तो मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया जो अगस्त प्रस्ताव आया, क्योंकि हमें आजादी तत्काल चाहिए थी, अंग्रेजों पर हमें दबाव बनाना था। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध में एक आंदोलन चलाया था। कांग्रेस ने इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को क्या कहा जाता है? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह कहां से प्रारंभ हुआ था? यह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से प्रारंभ हुआ। इसको व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया, इसको जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी सवाल पूछे जाते हैं या पवनार आश्रम से सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। यह क्यों चलाया गया था? इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। आपसे पूछता है दिल्ली चलो आंदोलन किस लिए चला, तो यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। कहां से चलाया गया था? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से यह चलाया गया था। तो इतनी सारी चीजें आ गई। अब यहीं से व्यक्तिगत सत्याग्रह से मान लो बहुत डिटेल में पूछ लिया, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल जी खुद थे। तो दो सत्याग्रही यहां से जो है इस जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह में पूर्ण रूप से उन्होंने भाग लिया और अंग्रेजों के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में यह चालू हुआ। अब हम बात करते हैं किसकी? क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन अपने भारत में आया 1942 की बात है, 1942 के शुरुआती ही जो है महीनों की बात है, मार्च 1942 की बात है, ठीक है, मार्च 1942 की बात है। भारत में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का मेन उद्देश्य था कि यहां के नेताओं से बातचीत की जाए और बातचीत के बाद फिर क्या किया जाए, यहां पर जो वो सरकार बनाना चाह रहे हैं, जैसे सरकार चलाना चाह रहे हैं, इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को देना। हालांकि क्रिप्स मिशन आया, ठीक, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इनका पूरा नाम है। ये वो समय क्या थे? ब्रिटेन में एक तरीके से जो है उसके सदस्य थे, किसके? युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जब ये भारत में बातचीत के लिए आए थे, क्रिप्स मिशन के लिए आए। जब क्रिप्स मिशन के लिए आए तो क्रिप्स मिशन का भी अच्छी तरीके से बहिष्कार हुआ भारत में, और गांधी जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी। क्रिप्स मिशन पर गांधी जी ने प्रतिक्रिया दी कि पोस्ट डेटेड चेक, इसको गांधी जी ने बोला था कि यह पोस्ट डेटेड चेक है आपका। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इन्होंने जोड़ दिया कि पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, यानी एक ऐसा बैंक जो खुद से टूट रहा है, मतलब दिवालिया होने को है, और उसने अपना एक चेक जारी किया जो अब पोस्ट डेटेड भी हो चुका है। तो दो लोगों की यहां पर प्रतिक्रिया क्रिप्स मिशन पर आई। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं इसके आगे, जस्ट 1941 की बात है। 1941 में एक जो है अंतरराष्ट्रीय बहुत बड़ी घटना हुई थी, और वो घटना ये थी कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक चार्टर की घोषणा की थी, जिस चार्टर को नाम दिया गया अटलांटिक चार्टर। इस अटलांटिक चार्टर में यह बताया गया कि विश्व के सभी देशों को आजाद होने का हक है, वह उनको अपने देश में अपनी सरकार चलाने का हक है। इन तमाम चीजों के बारे में इस अटलांटिक चार्टर के बारे में बात की गई थी। और जब ब्रिटेन ही हर मुल्क के जो है फ्री होने के लिए, इंडिपेंडेंस होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए राजी था, तो फिर उस पर दबाव बढ़ने लगा कि भाई आप भारत को जो है तब आजादी दीजिए। तो 1941 की यह घटना थी, अटलांटिक चार्टर की घटना थी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो हमने देखा कि क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन का जो है जोरदार यहां पर विरोध किया गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद 14 जुलाई 1942 की,
ये आपके माइंड में दिमाग में तुरंत बनना चाहिए। 14 जुलाई 1942 की यह घटना, वर्धा में एक आंदोलन चालू किया गया था। वर्धा में इस आंदोलन का क्या नाम था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो नामक एक आंदोलन चलाया गया। और यह कहां से शुरू हुआ था? आपके वर्धा से शुरू हुआ था। डेट थी 14 जुलाई 1942। किस वजह से चालू हुआ था, मतलब किस वजह से शुरुआत हुआ था? एक तरीके से इसका जो है यही चीज था, कृष्ण मिशन के विरोध में एक तरीके से इसको था। और दूसरी चीज, इस आंदोलन के लिए फिक्स किया गया कि हम कब से आंदोलन शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगस्त क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगस्त क्रांति कब हुई, तो अगस्त क्रांति जो है अगस्त में इसकी डेट रखी गई थी कि अगस्त से हम इस आंदोलन को प्रारंभ करेंगे, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसीलिए इसको जो है अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी ये 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 9 अगस्त 1942। नाम क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। कहां से शुरुआत हुआ? शुरुआत हुआ आपके वर्धा से। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे अक्टूबर 1943 की। अक्टूबर 1943 की बात अगर हम करें, ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ एक साथ लेकर चल रहा हूं। बात है अक्टूबर 1943 की। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर कौन वायसराय बना? लॉर्ड वेबल वायसराय बना था, मैं उसी का नाम लिख रहा हूं। लॉर्ड वेबल वायसराय बना और इसने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसको किस नाम से जाना जाता है? वेबल योजना के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान जब ये वेबल योजना आई, और वेबल योजना जो है 4 जून 1943 को भारत आई थी, 4 जून 1943 को भारत आई, जो किसके द्वारा? वायसराय लॉर्ड वेबल के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। और इस योजना में तमाम ऐसी बातें कही गई थी कि भारतीय जो है संविधान पर कैसे कैसे चर्चा हो। और इसी वेबल योजना पर, आपको ध्यान होगा, वेबल योजना पर ही बातचीत के लिए शिमला समझौता हुआ था, और जो कि पूरी तरीके से निष्क्रिय, मतलब निष्फल रहा। इस शिमला समझौता का कोई अर्थ ही नहीं रहा जो लॉर्ड वेबल ने योजना प्रस्तुत की थी। अब मैं इसके बारे बात करता हूं 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव की। 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, और ब्रिटेन में जब चुनाव हुए तो उस समय वहां का प्रधानमंत्री कौन बना? वहां का सत्ता परिवर्तन हुआ, ठीक है, 1945 में जो ब्रिटेन में चुनाव हुए। क्योंकि एक सवाल यहां से क्या पूछता है कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? ठीक है, 1945 में चुनाव हुए और जो व्यक्ति ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना, ये क्लीमेंट एटली था, ये जीत करके सत्ता में वापस आया। और इसका नजरिया भारत के लिए काफी सकारात्मक रहा। इसका मानना था कि भारत को अब आजादी दे दी जानी चाहिए। इसके ही तुरंत बाद 1945 के बाद ही जब क्लीमेंट एटली आपका भारत का जो है ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बना, तो इसने 24 मार्च 1946 की एक घटना है, 24 मार्च 1946 को एक जो है 3 सदस्यीय दल भारत भेजा, जिसका नाम आप सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा, जिसको हम जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 ये पूछा गया है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, ये 3 सदस्यीय था, ठीक है। 3 सदस्य में आपके पहले थे आपके वही क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स फिर से इसमें आए थे। दूसरे जो थे एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। और एवी अलेक्जेंडर आपको याद होगा क्रिप्स कैबिनेट मिशन से एक और सवाल पूछता है। कैबिनेट मिशन से यह सवाल पूछता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपके इसमें कौन होंगे? एवी अलेक्जेंडर होंगे? नहीं, एक तीसरा भी व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्रिप्स वही स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोबारा आते हैं कैबिनेट मिशन के लिए। कैबिनेट मिशन आकर के भारत के सारे नेताओं से बात करता है, अलग अलग जो पार्टियां थी उनसे बातचीत करता है। बातचीत के बाद एक इसका हल निकलता है। ये अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश करता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इस रिपोर्ट पर
चर्चा के लिए ब्रिटेन की संसद में उस रिपोर्ट को रखा जाता है, उस पर बहस होती है और अंततः यह परिणाम आता है कि अब भारत को कहीं ना कहीं आजादी दी जानी चाहिए। ठीक है, इस पर परिचर्चा के लिए इसी के बारे में हम बात करेंगे 1946 के ही बारे में। जुलाई से अगस्त की बात है, जुलाई से अगस्त में क्या हुए थे, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। जुलाई अगस्त की बात है, संविधान सभा का चुनाव हुआ। यहां से सवाल पूछा गया है संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई से अगस्त के महीने में हुआ। संविधान सभा का जब चुनाव हुआ, ठीक है, इस चुनाव में क्या हुआ था, उसके बाद जब चुनाव हुए, चुनाव का रिजल्ट आया, तो फिर सरकार बनने की घोषणा हुई और अंतरिम सरकार का गठन एक तरीके से कब हुआ। इससे पहले ही मैं थोड़ा सा बता दूं आपसे, एक पॉइंट और पूछता है, 16 अगस्त 1946 की घटना है, एक 16 अगस्त 1946 की घटना है। यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक सवाल पूछता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया, किसके विरोध में मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, तो मुस्लिम लीग इसी चीज को लेकर मनाई थी। मुस्लिम लीग ने मनाया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्यों, क्योंकि मुस्लिम लीग को लगता था कि हम सरकार में शामिल नहीं होंगे और हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए ही चाहिए, इस चीज पर लेकर अड़े थे और इनकी ये मांग थी कि हमारे देश, हमारे अलग मुल्क के लिए एक अलग संविधान सभा बने। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने इसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के तौर पर मनाया था, कब, 16 अगस्त 1946 को। अब मैं बात करता हूं सितंबर की बात है, सितंबर 1946 की बात है जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ। सितंबर 1946 की बात है जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार के गठन, एक सवाल यहां से फिर से पूछता है कि अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ, सरकार में कौन कौन शामिल हुआ, कांग्रेस तो जाहिर सी बात है रहेगी ही रहेगी, लेकिन मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के गठन में शामिल नहीं हुई थी, यह सवाल पूछा है, तो मुस्लिम लीग इस सरकार में जो है गठन मैं शामिल नहीं हुई। बाद में बात है 26 अक्टूबर 1946 को, अंतरिम सरकार में ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। फिर बाद में 26 अक्टूबर की बात है, 26 अक्टूबर 1946 की बात है जब मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई। सरकार में शामिल हुई मुस्लिम लीग कब, 26 अक्टूबर 1946 को। ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम लीग जब सितंबर में सरकार बनी तो अंतरिम सरकार में इसने भाग ही नहीं लिया और अगस्त में इसने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया था, क्योंकि इसको लगता था कि कांग्रेस ही सीधा सीधा, अंग्रेजों ने कांग्रेस को शासन दे दिया और कांग्रेस की ही बात सुनी जा रही है और कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली है। तो यह बात हो गई तमाम तरीके की, जिन पर हमने देखा कि संविधान सभा का चुनाव हुआ, चुनाव में कौन कौन भाग लिया। अब हमें बात करनी है कि जो संविधान सभा में हम बार बार मांग कर रहे थे कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसा होना चाहिए, अब मैं आपसे बात करूंगा संविधान सभा की सीटों के बारे में, निर्वाचन के बारे में, महिलाओं की भागीदारी, उनकी तमाम बैठकों के बारे में, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में, अस्थायी अध्यक्ष और तमाम ऐसे लोग रहे, उन सभी बारे में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं संविधान सभा के बारे में कि इसमें क्या क्या रहा प्रावधान, कितनी सीटें थीं और कौन कौन सी चीजें शामिल की।